दोस्त कैसे हो? क्या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए रूम खोज रहे हो, लिविंग के लिए रूम खोज रहे हो? क्या भैया मैं आपके पास रूम गया लेने, आपके ब्रोकर के पास रूम गया लेने, न वेट था न फाइन था तो मैं रूम कैसे लेता? अरे कम से कम वेट तो रहना चाहिए, फाइन तो रहना चाहिए भैया। अब कहाँ से वेट लाएंगे, कहाँ से फाइन लाएंगे हम? तो भाई आपके लिए भी बहुत ही खास होने वाली, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या लिविंग के लिए ले रहे हो अगर खोज रहे हो तो उसके लिए भी बहुत खास होने वाली है। और अगर जिसको बेड फैन सारा कुछ है उसके लिए भी तो और खास होने वाली है वीडियो, क्योंकि मैं 3 टाइप्स के रूम दिखाने वाला हूँ। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और लिविंग के लिए क्या प्रोसेस, क्या कैसा रूम मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक फुल्ली फर्स्ट जिसमें बेड फैन सारा कुछ मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक और ऐसा रूम दिखाने वाला हूँ जिसमें बेड फैन फुल्ली फर्निश्ड मतलब मॉडलिंग, एक मॉडलिंग रूम होता है ना वो भी रूम दिखाने वाला हूँ। तो 3 टाइप के रूम दिखाने वाला हूँ आप सबको, अगर चाहिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो पहला जो होता है क्या बोलता हूँ, जो लिविंग या कपल्स के लिए, भैया मुझे लिविंग के लिए चाहिए जो मैं अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए परमानेंट रह सकूं, और भैया मुझे ऐसा रूम चाहिए जिसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ सकूं, मेरा ओयो का पैसा बच सके। तो भाई मैं तो ऐसा नहीं बता सकता, बट मैं आपको एक रूम दिखा सकता हूँ और इसके बारे में मैं डिटेल्स दे सकता हूँ कि आप इसको कैसे ले सकते हो, किस टाइप का रूम है और क्या प्रोसेस है इसका। तो वीडियो पहले देख लीजिए। ओ भाई साहब क्या मस्त रूम है, अरे गजब, खिड़की भी है, पलंग बिछौना वगैरह सारा कुछ है यार इधर। वाह वॉशरूम, नाइस नाइस वॉशरूम, भाई रूम तो मस्त है। अरे अमित भैया ये रूम तो बहुत अच्छा है, कितने में लिए हैं ये रूम, कैसा लगा? भैया रूम तो काफी अच्छा है, इसमें आपको फैन मिल जाता है, बेड मिल जाता है, गद्दा बिछौना तकिया और पर्सनल लैट्रिन वॉशरूम मिल जाता है। तो जिसको भी लिविंग में रहने का चूल मचा हुआ, तो लिविंग में रहने के लिए तो बजट ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए, बजट तो ज्यादा होनी चाहिए ना भाई, आपकी गर्लफ्रेंड को भी जॉब करना पड़ेगा और आपकी आपका जो भी आपका लड़का उसको भी जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि माए बाप के पैसे पर तो लिविंग में रहना पॉसिबल है ही नहीं। फिर भी आप पॉसिबल करना चाहते हो कि भाई किसी ना किसी से ट्राई करता हूँ, क्या पता मिल जाए। तो भाई ये लिविंग के लिए ही रूम है भैया। कैसा रूम है, तो होटल रूम है भैया, एक दिन का 800-1200 रुपया लगेगा। 800-1200 रुपया अगर आप लिविंग में रहना चाहते हो, 800-1200 रुपया एक दिन का दो, पैसा तुम्हारे पास है, जॉब करो लिविंग में रहो। अगर होटल का पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो, शादी करो घर में रहो। अब रूम ले भाई सस्ता में रूम भी चाहिए और लिविंग भी रहूंगा, तो भाई ये नहीं होता। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भैया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए रूम चाहिए, कभी कभी गर्लफ्रेंड आएगी तो भाई होटल में ले जाओ ना, ओयो में ले जाओ ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, रूम पे कहे ले जाओगे, दूसरा के घर पे ले जाओगे भाई, ओयो में ले जाओ, रूम में ले जाओ, इंस्टा ले जाओ, वहां पे तुमको मिल जाएगा। तो ये रूम अगर तुमको लेना है, जिसके बारे में जानना है, तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कहाँ पे कैसे मिलेगा मैं आपको बता दूंगा, पटना में, रांची में, दिल्ली में, कहाँ कहाँ आपको ओयो मिल सकता है, मैं सारा डिटेल्स आपको दे दूंगा। ये मैं दिल्ली में गया, गांधी मैदान गया, बोरिंग रोड गया, मुझे बेडे नहीं मिला ना फैने मिला, कैसे लूंगा? 8000 रुपया रेंट बता रहा है 2 BHK का, 1 BHK का 6000 बता रहा है, ना बेड दे रहा है ना फैन दे रहा है, तो भाई कैसे मैं रहूं? तो भाई वहां तो नहीं, बाकी मैं एक वीडियो है मेरे पास वो मैं दिखा देना चाहता हूँ। अगर इस टाइप का रूम अगर आपको चाहिए, अगर ये रूम बुक करना हो तो ये रूम अवेलेबल है। इसका कौन सा लोकेशन है, कौन सा सिटी है, किस प्राइस में, सारा डिटेल्स आपको मिलने वाले। इससे पहले मैं आपको रूम का वीडियो दिखा देना चाहता हूँ, रूम का वीडियो देख लीजिए। तो देखिए आपका ये रूम हो गया, रूम में देखिए बेड लिखा हुआ है और यहाँ पे विंडो वंडो सारा कुछ दिया हुआ है, और इधर आपको देख सकते हो तो आधी आपको यहाँ पे हॉल रूम साइड का मिल जाता है, इधर आपको जो भी गोदरेज है ये मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है रूम का, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें देखिए मतलब लैट्रिन वॉशरूम सारा कुछ है, मतलब 1 BHK का जो फुल्ली फर्निश होता है इस टाइप का मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये 1 BHK का फुल्ली फर्निश जो है, 1 BHK का फुल्ली फर्निश फ्लैट कैसा लगा? काफी अच्छा है ना। लोकेशन कहाँ पे, तो विजय नगर है। कहाँ पे? विजय नगर। विजय नगर कहाँ पे? इंदौर। विजय नगर कहाँ पे? इंदौर है जो विजय नगर में, वहां पे इसमें फैमिली बैचलर और जो है लव मैरिज कपल को भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका रेंट कितना भैया? तो इसका रेंट ओनली 10000 होने वाली है भैया। बेड और फैन और 10000, भैया 10000 में और क्या क्या चाहिए, कैसा रूम चाहिए? 10000 का ही रूम ऐसा मिलता है? नॉर्मल फुल्ली फर्निश लेना चाहते हो ना तो 10000 से ऊपर का ही मिलेगा, 8000-10000 1 BHK का। अब क्या चाहते हो, 2000-3000-4000-5000 में तुमको बेड भी मिले, फाइन भी मिले, और पूरा लैट्रिन वॉशरूम किचन बालकनी भी मिले? ये पॉसिबल नहीं है ना भाई, ब्रोकर लोग भी नहीं दिलवाएगा, तो मैं किस खेत का मूली हूँ। तो चलिए एक और है, एक और मेरे पास है जो फुल्ली फर्निश गोदरेज मतलब पूरा मॉडलिंग है,
और अच्छा रूम है उसका, मैं वीडियो दिखा देना चाहता हूँ, फिर इसका डिटेल दूंगा, तो वीडियो देख। आपको कैसा लगा भैया? ये मुझे काफी अच्छा लगा जी। कहाँ पे लोकेशन? पहले सुन तो लो, बता देता हूँ। तो ये स्टूडियो फर्निश रूम है। क्या है? स्टूडियो फर्निश रूम मुंबई हॉस्पिटल इंदौर के पास है। कहाँ पे? मुंबई हॉस्पिटल है वो इंदौर के पास हो, मुंबई इंदौर में जो मुंबई हॉस्पिटल वहां पास है। भैया इसका रेंट कितना है? इसमें कौन, इसमें हम फैमिली रह सकते हो, बैचलर भी रह सकते हो, बट ओनली ज्यादा घर को बोले कि भैया अगर फैमिली है तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फैमिली रहता है, क्योंकि बैचलर लोग क्या करता है कि जहाँ पे खाता वहीं पे हग मुत कर चल जाता है, तो फैमिली रहेगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर लास्ट ऑप्शन है बैचलर का, तो बैचलर का लास्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या बोला, इंदौर में मुंबई हॉस्पिटल वहां पास आपको मिल जाएगा। फुल्ली फर्नीचर, रेंट 14,000 रुपया है। डिपोजिट ओनली आपको 2 मंथ का करना पड़ता है, और नाइन एग्रीमेंट भी आपको करना पड़ेगा, 9 मंथ का आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो ये तीनों में से, जैसे कि मैं आपको एक बताया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिविंग के लिए चूल मचा हुआ, तो इसके लिए भी मैं आपको डिटेल्स दे दिया। जिसको बेड फैन चाहिए उसका भी मैं डिटेल्स दे दिया, जिसको गद्दा बिछाना सारा कुछ चाहिए उसका भी मैं डिटेल्स दे दिया। तो तीनों में से कोई भी रूम चाहिए, कोई भी रूम का जानकारी लेना हो, अगर आप कॉन्टेक्ट कर, तो उस समय तक ये रूम अवेलेबल रहता तो मैं आपको ये रूम करवा देने वाला हूँ, अगर आपको इस लोकेशन में रूम चाहिए तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय।